स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी की जयंती है। मैं आपके माध्यम से उनके चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वो एक ऐसे बिरला नेता थे, वो किसी भी विचारधारा में थे, पर उनका सम्मान हर विचारधारा में था, क्योंकि आप जानते हैं विकास, प्रगति और उन्नति उनके जीवन का संकल्प था, उनका सोच था, उनका चिंतन था, उनका विचार था। समाज का समग्र विकास तभी संभव है, समाज के हर वर्ग का विकास हो और जो समाज का अंतिम व्यक्ति उसका विकास हो। उनके पास जो जो विभाग भी आए, देश के साथ, प्रदेश के साथ, इंदौर उनके दिल और दिमाग के पटल पर। जब रेल मंत्री रहे तो चारों महानगरों से बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास उनकी देन है। ये मॉडल एयरपोर्ट उनकी देन है। भारतीय प्रबंध संस्थान उनके आशीर्वाद से बना, और ये जो खेल का स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम उनकी देन है। मैं सोचता हूँ वो विकास पुरुष थे, उन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं ने, विधायक ने, पूर्व मंत्री ने, संगठन मंत्री ने, आईडीए के पूर्व अध्यक्ष ने, और इस ब्रिज का नाम स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी रखा जाएगा, उद्यान का नाम स्वर्गीय माधवराव सिंधिया रखा जाएगा। आप जानते कि देश में पहली बार किसी मूर्ति का अनावरण हमारे राज्य के प्रधानमंत्री ने किया, ये उनकी शख्सियत थी सिंधिया जी कुछ के। मैं आप सब की ओर से उनके चरणों में नमन करता हूँ और आम लोगों से ही अनुरोध करता हूँ, जयंती पर जो उनका संकल्प था उसको हम सब मिलकर पूरा करें। धन्यवाद।